हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक LIC वोंट स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक रहने वाली है, बिलो 100 रुपीज़ रहने वाली है ये वाला स्टॉक। तो कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो गाइस देखो, थंबनेल में पढ़ लिए होंगे, ये जो कंपनी है उन लोग का बिजनेस बहुत ही फैला हुआ बिजनेस है। टेक्सटाइल्स में इन लोगों का बिजनेस है, मतलब टेक्सटाइल्स में ये लोग डील करते हैं। उसके बाद रियल एस्टेट में भी ये लोग डील करते हैं, उसके साथ साथ IT इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये लोग डील करते हैं। तो ये जो स्टॉक है बेसिकली मैं आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड करने वाला हूँ। तो चलिए पहले देख लेते हैं कंपनी की फंडामेंटल्स क्या निकल के आ रही है, उसके बाद हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में बात करेंगे। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मैं बोल रहा था, टेक्सटाइल्स, ग्रे आयरन कास्टिंग, ये तो बताना भूल गया, सॉरी गाइस, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट। अगर मार्केट कैप के बारे में बात करें तो मार्केट कैप 91 करोड़ की है, ऑलमोस्ट 92 करोड़ आप लोग पकड़ के चल सकते हो। ROC नेगेटिव में जा चुका है, बुक वैल्यू भी नेगेटिव में है, ROE और PE गायब है। एक साल में टिक टॉक रिटर्न देकर जा रही है, डिविडेंड नहीं देती है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, प्रोज में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है कॉन्स में ही है। क्वार्टरली रिजल्ट भी कंपनी ओवरऑल आप लोग देख सकते हो, जून के क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट दिया है, लेकिन ओवरऑल कंपनी लॉस मेकिंग ही है। ओवरऑल देख सकते हो कंपनी लॉस मेकिंग है, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो आप लोग देख सकते हो टोटली कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी है। बहुत आज से नहीं, मतलब बहुत सालों से 2017 से ये जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग है। उसके पहले ये कंपनी प्रॉफिटेबल थी, कभी कभी लॉस देती थी, लेकिन 2017 से ये कंपनी टोटली लॉस मेकिंग बन चुकी है। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करें, क्या हो गया, हाँ बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट इसका जो पूरा डेब्ट था वो रिड्यूस कर दिया है, लेकिन अभी भी 25 करोड़ की कंपनी के पास डेब्ट है और रिजर्व भी नेगेटिव में जा चुका है, कैश फ्लोज भी नेगेटिव में जा चुका है, ये आप लोग देख सकते हो, लेकिन रिकवर किया है कंपनी ने। उसके बाद अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये जो 6.44% होल्डिंग है, इसमें से 6.07% होल्डिंग LIC की है। LIC के पास इससे भी ज़्यादा होल्डिंग थी, लेकिन मार्च 2020 में LIC जो है वो अपना होल्डिंग बेच दिया है। पब्लिक के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बड़े बड़े प्लेयर्स है, बड़े बड़े रिटेलर्स है, अगर ये सब कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट 30%, टू बी एग्जैक्ट 29.99% हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स के पैसा लगा हुआ है। तो गाइस देखो, फंडामेंटली कंपनी वीक है, जीरो नहीं बोलूंगा, लेकिन वीक है कंपनी। अगर आप लोगों को इस बिजनेस पे कंपनी पे भरोसा है तो ही आप लोग इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए, अदरवाइज आप लोग स्विंग ट्रेडिंग में ही जा सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा कुछ 5 या 10 साल अगर देखोगे इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अगर पास्ट की, हाँ हो सकता है ये कंपनी एक ऑसम रिकवरी दिखा दे, उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी स्टॉक को में देखने को मिले, और हो सकता है 5 या 10 साल बाद ये 1000 रुपये तक के भी टारगेट शो कर दे, लेकिन गाइस अभी का जो सिचुएशन है, अभी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का लायक नहीं है। अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो गाइस कंपनी का नेम तो वहाँ पर ही दिखा देगा, DCM की NSE की डेली चार्ट खुली हुई है, और आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 4.28% अप थी, 51 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को कुछ खास पैटर्न नज़र आ रहा है स्टॉक में, कोई भी पैटर्न मुझे तो नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, गाइस सीखो, खुद से कुछ करना सीखो, मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोग भी तो खुद से कुछ ट्राई करो ना। ये वाला पैटर्न, सेम पैटर्न दिखा ना, अभी तो दिखा, इसका मतलब क्या है ये भी कमेंट कर दो अगर आप लोगों को पता है तो। पॉज करके कमेंट करो, सोचो पॉज करके कमेंट करो, मैं बताता हूँ। तो गाइस ये देखो, अभी हो सकता है कि ये स्टॉक अभी आगे कंसोलिडेट करेगी, क्योंकि इसका अगर वॉल्यूम देखोगे ना तो वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट कर रही, जो कि इस फेज पे भी था। वॉल्यूम अभी बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट करेगी, और कितने दिन तक करेगी किसी को नहीं पता। और इस स्टॉक का एक खास बात यही है कि एक बार ऊपर जाती है, एक स्विंग ऊपर जाती है, उसके बाद सेकेंड वाला जो स्विंग है वो कम ऊपर जाती है, उसके कंपेरिजन में कम ऊपर जाती है। उसके बाद बहुत ही दिन तक, मतलब यहाँ पर आप लोग देखो, मार्च से मई के, मार्च ऑलमोस्ट मई तो छोड़ ही दो, ऑलमोस्ट हाँ जून तक, मार्च से जून तक एक क्वार्टर, मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने तक ये कंसोलिडेट करी, उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट जब दिया 30 से डायरेक्ट इसने 60 के लेवल दिखा दिया, आपका जो पैसा है वो डबल हो गया है। तो एक और मौका आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है, सेम मौका आप लोगों को देखने को मिलेगा इस स्टॉक में अभी। तो वो मौका क्या है, क्या निकल के आ रही है वो जो मौका है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे किसी ने 30 के लेवल पे बाय किया होगा तो उसका जो पैसा है वो तो डबल हो ही गया होगा।
तो अभी मौका क्या निकल के आ रहा है स्टॉक में, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो गाइस, कब कंसोलिडेशन पीरियड ओवर होगा, हो सकता है दो दिन में हो जाए कंसोलिडेशन पीरियड, नवंबर के अंदर कंसोलिडेशन पीरियड ओवर हो जाए, हो सकता है अक्टूबर के 15 अक्टूबर से पहले, 10 से पहले ही जो है स्टॉक का कंसोलिडेशन पीरियड खत्म हो जाए। लेकिन हमें वेट करना है कभी कंसोलिडेशन पीरियड खत्म होता है और एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर जाते हुए दिखे, जैसे कि यहाँ पे दिखा था आप लोगों को, एक वॉल्यूम में भी आप लोगों को एक चेंजेस दिखने को मिला था। कभी एक वॉल्यूम के साथ ऊपर जाए तब आप लोगों को बाय करना है फॉर द टारगेट। सब फर्स्ट टारगेट तो देखो इसका जो स्विंग हाई था वो तो 61, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो इसका जो स्विंग हाई था वहाँ तक ही ये पहली बार में गया था, पहला स्विंग में, उसके बाद थोड़े दिन कंसोलिडेट किया स्टॉक, फिर से ऊपर का टारगेट अचीव कर दिया। ये हो सकता है कंसोलिडेशन किया, इसके बाद फिर इस ये वाला टारगेट के पे आके कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये वाला टारगेट अचीव करा दिया, आराम से हो सकता है। आश्चर्य कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट में, और ये तो देखो हिस्ट्री ये बता रही है। और अभी मैं क्या बता रहा हूँ, देखो गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड लेना सेफ नहीं समझते हो तो गाइस ये वाला जो स्विंग आने वाला है इसमें ट्रेड ले लें, या तो फिर अगर आप लोगों ने, आप लोगों को लगता है कि हाँ पहले वाला कोई लेवल नहीं है लेकिन ये वाला कन्फर्म ट्रेड है तो यहाँ पर ट्रेडिंग ले लेना। अगर आप लोगों को लगता है दोनों ही कन्फर्म ट्रेड बन सकती है तो होल्ड कर लेना, या तो फिर यहाँ पे जाके प्रॉफिट बुकिंग एक बार कर लेना, टोटली प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। जब कंसोलिडेशन पीरियड ओवर होगा थोड़ी सी आप लोगों को नीचे मिलेगी तब आप लोग बाय कर लेना फॉर द टारगेट्स ऑफ 81, फिर से रेंटर कर लेना जैसे कि यहाँ पे हुआ था। जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, मान लो आप लोगों ने यहाँ पे बाय कर दिया, उसके बाद यहाँ पे कहीं पे निकल गए 42 रुपीज़ के आसपास, फिर से जब आप लोगों को 38 रुपीज़ के आसपास मिला तब आप लोग एंटर कर गए फॉर द सेकंड टारगेट। ये भी आप लोग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग में। देखो गाइस स्विंग ट्रेडिंग का तो यही मज़ा है, एक ही स्टॉक से एक ही टाइम पीरियड से आप लोग 2-3 बार प्रॉफिट कमा सकते हो। अप में बेच दिया, फिर से लो में डाउन में बाई कर लिया लो प्राइस पे, फिर से उसका जो सेकंड टारगेट है। अगर आप लोग होल्ड करते हैं, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में मान लो ट्रेड करते हैं 1 या 2 महीने के लिए, माइंडसेट होता है 1 या 2 महीने के बाद या तो फिर 3 या 6 महीने के बाद जितने भी ये स्टॉक जाए मैं बेच दूंगा, 2021 का ऑलमोस्ट 6 महीना यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो आप लोगों का जो प्रॉफिट गेन होगा वो कम होगा। मान लो कि यहाँ से अगर 6 महीने पकड़ते हैं, यहाँ से अगर 6 महीने पकड़ते हैं तो ये निकल के आ रही है। तो कैसे देखो 6 महीने में आपका जो प्रॉफिट होगा वो 30 से 60 होगा, लेकिन जिन लोगों ने भी स्विंग ट्रेडिंग किया होगा उन लोगों का 30 से यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट हो गया, उसके बाद फिर से यहाँ तक, मतलब इन लोगों का जो लेंथ है वो आप लोगों से थोड़ी बहुत तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर है उन लोगों के कंपेरिजन में जो लोग स्विंग ट्रेडर है उन लोगों को थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो होगा। और अगर कोई एक ही स्टॉक में रहता है 5 या 10 साल के लिए, अगर कोई कंपेयर करता है कि मैं 5 या 10 साल के लिए आंखें बंद करके अगर किसी स्टॉक को बाई करते हो, और कोई उसी स्टॉक में स्विंग ट्रेड लेता है, जो एक्सपीरियंस्ड बंदा अगर स्विंग ट्रेड लेता है, तो जो स्विंग ट्रेडर है ना 5 या 10 साल, जो लोग जो बंदा इन्वेस्टर है 5 या 10 साल आंखें बंद करके होल्ड कर रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा बना के जा सकता है, कई गुना ज़्यादा पैसा बना के जा सकता है वो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैसे देखो सीखना है, जो देखो वो टोटली माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग इन्वेस्टर हो या स्विंग ट्रेडर हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या डे ट्रेडर हो, वो टोटली माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी सीखना है ना एकदम सही से सीखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग इन्वेस्टर गलत है, इन्वेस्टर बेकार है, डे ट्रेडर भी बेकार है, अगर करना है तो स्विंग ट्रेड करो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप लोगों को फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों का कहाँ पे इंटरेस्ट है स्विंग ट्रेडिंग में, इंटरेस्ट है उसे ढूंढो, या तो फिर कहाँ पे इंटरेस्ट है आप लोगों को, कहाँ पे लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए बना हुआ है, ये मेरे लिए बने हैं, वो कहाँ पे लग रहा है, इन्वेस्टिंग की तरफ लग रहा है, कहाँ पे आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट पा रहे हो वो ढूंढो गाइस। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं स्टॉक मार्केट तो इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ और इतना रिस्क मैं नहीं ले सकता, इतना स्ट्रेस मैं नहीं ले सकता, तो गाइस फिर भी आप लोगों को स्टॉक मार्केट में रहना है तो गाइस आप लोग इन्वेस्टिंग करो 2-3 सालों के लिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी या फिर कोई ब्लू चिप कंपनी लो, रिलायंस टाटा वैसा कोई कंपनी लो, इन्वेस्ट कर डालो, सिंपल। अगर आप लोगों को लगता है नहीं मुझे एडवेंचर भी चाहिए ये, लेकिन थोड़ी बहुत रिस्क भी चाहिए, और जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के कम टाइम में प्रॉफिट भी बनाना है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर में जाओ। और आप लोगों को अगर एडवेंचर से खेलने का शौक है तो इंट्राडे ट्रेड तो है ही, उसके साथ साथ अगर इंट्राडे ट्रेड से थोड़ी बहुत भी सेफ खेलना चाहते हो तो स्विंग ट्रेड्स तो है ही आप लोगों के लिए। देखो गाइस आपको क्या अच्छा लगता है वो ढूंढो, वो बंदा स्विंग ट्रेड कर रहा है इतना कमा रहा है इसलिए मुझे भी जाना है स्विंग ट्रेडिंग में, ये मत करना, डूब जाओगे। ऑलवेज फॉलो योर पैशन, जो आप लोगों को अच्छा लगे वो करो। लेकिन वो बंदा ये कर रहा है स्विंग ट्रेडिंग से हज़ारों रुपया कमा रहा है, इसके लिए मैं भी स्विंग ट्रेडिंग में जाऊंगा, मुझे कोई नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा क्योंकि वो कमा रहा है, ये कभी भी गलती मत करना। आप लोगों का जो पैसा है वो 100% तक डूब सकता है, मान लो ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में किसी हाई रिस्क पेन स्टॉक में आप लोगों ने पैसा लगा दिया और पेन स्टॉक जो है वो कंपनी बंद हो गई, तो
तो क्या करोगे आप लोग, या तो फिर डिलिस्टेड हो गई तो आप लोग क्या करोगे? बिल्कुल भी नहीं करना है वो, आप लोगों का जो पैशन है उसे ढूंढो। तो बहुत ज्ञान हो गया, अभी बात करते हैं। तो गाइस देखो, मैंने आप लोगों को बता दिया अगर कंपनी नीचे गिरती है तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, लेकिन नीचे गिरने का कोई चांस तो नहीं दिख रहा है स्टॉक मार्केट में। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये स्टॉक मार्केट का थंब रूल है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये हमेशा याद रखना, इतिहास अपने आप को दोहराती है। पहले बार मुझे ये दिखा तो 70-80% चांस यही रहेगा, इस बार भी मुझे यही देखने को मिलेगा। अगर यही देखने को मिलता है तो मैंने आप लोगों को सारे लेवल्स बता दिए, बाकी आप लोगों के ऊपर है कैसे आप लोग ट्रेड लेना चाहोगे। आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहोगे कि टोटली बाई करके 3-4 महीने के लिए या 6 महीने के होल्ड करके रख दिए, जितना प्रॉफिट आया उतने में ही मैं खुश हूँ, मुझे स्विंग ट्रेडिंग का मतलब वो स्ट्रेस नहीं लेना है, कब एकदम हाई पे जाके सेल करना है नीचे बाई करना है वो स्ट्रेस मुझे नहीं लेना है। मैंने एकदम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा दिया 3-6 महीने के लिए, जितना होगा मुझे मन ठीक है मुझे चलेगा। अगर आप लोग स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी आप लोगों के ऊपर है, अगर कंपनी पे भरोसा है तो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय गाइस। और अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेरी है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, इस स्टॉक से भी रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है स्टॉक आप लोगों के मन में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर ए 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक यू गाइस, and thanks again for watching, stay safe, bye guys.